और बैटल जोन से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुतिन के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से बढ़ा दुनिया के सामने खतरा। बौखलाए पुतिन कर सकते हैं इनका इस्तेमाल। CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने यह आशंका जताई है। मॉस्को के पास 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का बड़ा जखीरा है। तो बौखलाए पुतिन क्या अब न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने यह बड़ी आशंका जताई है। मॉस्को के पास 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का बड़ा जखीरा है और यही वजह है कि अब आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके से बौखलाहट पुतिन के अंदर बढ़ती जा रही है, क्या अब पुतिन न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का रुख करते हैं? तो चलिए अब आइए देख लेते हैं कि CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने और क्या कुछ कहा है, क्या कहा है जानते हैं। न्यूक्लियर हमला करेंगे पुतिन, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स का बयान सामने आया है। पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बड़ी बात CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स की ओर से कही गई है। हमारे पास इस बात को लेकर पुख्ता इनपुट है, ये भी कहा गया। साथ साथ दुनिया के सभी देशों के लिए चिंतित होने की जरूरत है, इस बात पर जोर CIA के डायरेक्टर की ओर से दिया गया। बौखलाहट में पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए इंसानों की जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा है। प्रेसिडेंट बाइडन तीसरा विश्व युद्ध टालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी बातें CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स की ओर से कही गई हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।